हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे मेथी फ्राइड राइस। सबसे पहले मैं फ्राइड राइस बनाने के लिए ले रही हूँ 1 1/2 यानी कि 1.5 गिलास मैंने लिए हैं राइस। ये बासमती राइस है और इसको अच्छे से वॉश करके मैं इसमें जितना मैंने राइस लिया उससे डबल पानी डालूँगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। अब मैंने एक दूसरी कढ़ाई ली है जिसमें हम जो हमने फ्राइड राइस बनाने हैं उसका हम तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 1/2 कड़छी ऑयल और ये सूखे खड़े मसाले हैं तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया और जीरा और एक हरी मिर्च है। सबसे पहले मैंने डाल दिया है जीरा। जब जीरा थोड़ा भुन जाएगा फिर मैंने डाल दिया है तेज पत्ता, एक छोटी इलायची हरी और धनिया के बीज, काली मिर्च, लौंग और सूखी लाल मिर्च। और जब ये थोड़ा पक जाएगा तब मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि फ्राइड राइस का फ्लेवर बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जब ये थोड़ा सा पक गया है तब मैं इसमें 2 लंबे काटे हुए प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। मेरे पास छोटा चम्मच है तो मैंने इससे इसमें 3 चम्मच नमक डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और ये मिक्स मसाला डाला जिसमें कि हींग है, धनिया है, लाल मिर्च है और थोड़ा सा धनिया हरा कूटा हुआ है। अब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च जिससे इसमें कलर अच्छा आएगा बहुत। जब प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ गोभी, ये मैंने थोड़ी सी गोभी ली है इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से पकने दूँगी। जब ये थोड़ी पक जाएगी अब मैंने इसमें डाल दी है मेथी, ये 1 बाउल मेथी है, मीडियम साइज बाउल जितनी मेथी ली है मैंने। और जो हमने मेथी लेनी है वो उसको अच्छे से हमने भूनना है। अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दूंगी। ये देखो ये भुन गई अच्छे से। अब मैं इसमें 2 टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर पकने दूंगी। पाँच मिनट पकने के बाद ये मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब ये देखो राइस में थोड़ा सा पानी है, मैं इसको थोड़े से पूरे पके नहीं है मैं इसमें से पानी निकाल लूँगी। ये देखो इसमें से मैंने पानी निकाल लिया है। अब जो हमने मसाला तैयार किया है मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखो कितने खिले खिले राइस बने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये जो राइस है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप एक बार बना के ट्राई कर सकते हो।
अब मैं इसको ऐसे थोड़ी देर 5 मिनट के पकाया और ये हमारे राइस बन के हो गए हैं तैयार। और देखो ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।